हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम के ग्लो जोन और मैं हूं आपकी दोस्त ममता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिल्क की साड़ियों के बारे में। सिल्क की साड़ियां आजकल कितनी ट्रेंड में, आप लोगों को तो पता ही होगा। शादियों में जाओ तो हर दूसरा बंदा सिल्क की साड़ी पहन के बैठा है। तो मेरे को भी शौक चढ़ा, मैंने कहा चलो यार मैं भी सिल्क की साड़ियां ले लेती हूँ इस बार। वैसे मैं साड़ियां पहनती नहीं हूँ, मैं सूट ही पहनती हूँ। साड़ियां मैं पहनती हूँ बहुत ही रेयर, जैसे करवा चौथ पे पहन लिया या फिर किसी की शादी पे पहन लिया, वैसे मैं नहीं पहनती हूँ साड़ियां। घर पे मैं सूट ही पहनती हूँ या फिर मैं ऑफिस जाना होता है तो जीन्स वगैरह वेयर करती हूँ, तो मैं साड़ियां नहीं पहनती हूँ। बट मैंने इस बार हिम्मत करके तीन तीन सिल्क की साड़ी खरीदी, जिसमें से दो बहुत ही सिंपल है और तीसरी थोड़ा बहुत उसमें काम है। ठीक है, तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ दिखाना। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी अपनी ये साड़ी। ये ऑरेंज कलर की साड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर की साड़ी है। पूरी साड़ी प्लेन है, ठीक है, क्योंकि सिल्क की साड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से हेल्दी लगते हैं। तो ज्यादा मैं हॉच पॉच वाला मंगाती तो हो सकता था मैं भी बहुत मोटी लगती, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऐसी साड़ियां मंगाई हैं जो कि मैं कहीं भी वेयर कर सकूं। मुझे ये ना सोचना पड़े अरे यार इतनी भारी है, कोई बड़ा फंक्शन हो तब मैं पहनूं, ऐसा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है। और इस पे नीचे की तरफ पूरी साड़ी पे इस तरीके से बॉर्डर है, ब्लैक कलर और गोल्डन कलर का ये बॉर्डर है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ इसकी प्रॉपर जितनी होती है 5.5 साड़ी की वो है, उसके साथ अलग से ब्लाउज पीस अलग से है। तो इस साड़ी की पूरी लेंथ है, कहीं से कोई छोटी साड़ी नहीं है ये। उसके साथ सिल्क की मैं बात करूं तो ये आर्ट सिल्क इसको कहते हैं, बहुत ही पतला सिल्क होता है ये, बहुत ही पतला, जिसमें आप बिल्कुल भी मोटे नहीं लगते हैं। तो ये वो सिल्क है, आर्ट सिल्क इसको बोलते हैं। इसके इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा पतला है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट है। अब इसका ब्लाउज पीस ये है ब्लैक कलर का, इसमें जो बना हुआ है ये बेल टाइप, आई मीन झुमकी टाइप बना हुआ है, झुमकी। तो ये पूरा इतना है 80 सेंटीमीटर का कि ये मुझे आराम से आ जाएगा यहां तक की स्लीव्स का, ठीक है। सेकंड जो मेरी साड़ी है ये मैंने ली है बेसिकली अपने बच्चे के स्कूल जाने के लिए, जब पीटीएम वगैरह होती है या फिर स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो मेरा भी मन करता है साड़ी पहन के जाऊं। और स्कूल में जो टीचर साड़ी पहन के आती है ना, बहुत मस्त लगती है यार, बहुत ही अच्छी लगती है। उनको देख के मेरे को लगा नहीं यार मैं भी एक ऐसी साड़ी ले लेती हूँ जो मैं स्कूल पहन के जा सकूँ। तो ये मैंने ली है दूसरी साड़ी, ये ब्लू कलर की है। और इसमें पूरी साड़ी में, ये भी प्लेन साड़ी है, इसमें भी कुछ नहीं है, आप कहेंगे कितनी प्लेन लेती है, बट ये है कि मेरे को थोड़ा मोटा नहीं दिखना है, इस वजह से मैं प्लेन साड़ीज लेती हूँ। तो ये पूरी साड़ी ब्लू कलर की है, ठीक है। इसके ऊपर ये इतनी पतली पट्टी है बस ऊपर, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इतना चौड़ा बॉर्डर है। ये भी फाइन सिल्क है, बहुत ही आर्ट सिल्क में ही आती है, ये भी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट। इसमें भी मैं बिल्कुल मोटी नहीं लगती, किसी दिन मैं पहनूंगी आप लोगों के साथ, वीडियो शेयर करूंगी पहन के, ठीक है। और इसका जो मैं पल्ला दिखाती हूँ आपको, इसका पल्ला ये रहा, इसके पल्ला भी प्लेन है बट साइड पे ये थोड़ा सा ये दे रखा है, और पल्ला पूरा प्लेन है। ओके, मतलब इसको अगर मैं ऐसे पहनूंगी ना तो ये मेरा यही आ जाएगा, ऐसे ये आएगा, ये लुक आएगा इसका, अच्छी लग रही है ना। इसके साथ इसका ब्लाउज तो मैं बनवा चुकी हूँ, तो इसका ये ब्लाउज मैंने ये बनवाया है, ये है 3/4 स्लीव है, मेरे यहाँ तक आता है तो 3/4 स्लीव है ये। तो अच्छा, इसका भी कपड़ा की लेंथ काफी थी कि मेरा 3/4 ये बन गया। और साड़ी की लेंथ भी बहुत अच्छी है, 5.5 है, बहुत अच्छी प्लीट्स बनती हैं इसमें, बहुत अच्छी साड़ी है। अब थोड़ा सा जिसमें काम है वो साड़ी मैं दिखाने वाली हूँ, दैट इज ऑल्सो ऑरेंज। अच्छा, पहली साड़ी मेरी ऑरेंज थी, दूसरी मेरी ब्लू थी, और अब ये ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। ये देखो, ये है इस तरीके की साड़ी। ओके, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, इसकी तह करना मुश्किल है बट मैं, कोई बात नहीं आपके लिए चलेगा। ये पूरी साड़ी पे ये मोर बने हुए हैं,
और इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी शाइनिंग है इसकी, ठीक है। पूरी साड़ी पे इसमें मोर बने हुए हैं, इसका जो ऊपर का बॉर्डर है इस पे भी मोर बने, उल्टा है क्या यार ये, हाँ उल्टा है, सॉरी सॉरी, ठीक है। ये ऐसे मोर बने हुए हैं देखिए, वाओ अच्छा लग रहा है ना। ये मोर बने हुए हैं गोल्डन कलर की और ब्लू कलर का, इसका जो है ये मोर बना हुआ है, पूरा बॉर्डर इसका गोल्डन एंड येलो में है, और जो पूरी साड़ी है ऑरेंज कलर का बेस है और गोल्डन कलर के इस पे मोर बने हुए हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको पल्ला दिखा देती हूँ, इसका जो पल्ला है ये आप देख सकते हैं पूरे पल्ले पे इसका मोर बना हुआ है, ये पूरे पल्ले पे, ओके। तो अच्छी है ना मेरी तीनों साड़ियां, तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी साड़ी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इनमें से सबसे अच्छी साड़ी आप लोगों को कौन सी लगी। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबा के मेरी सारी वीडियोस के आनंद लीजिए, ओके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।